हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। जैसे कि आपको पता है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल चल रही है, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। और ऐसे में आप में से काफ़ी सारे मेरे दोस्त मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि बेस्ट कैमरा फ़ोन बता दो 10,000 में, 20,000 में, 30,000 में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि किस प्राइस सेगमेंट में कौन सा बेस्ट कैमरा फ़ोन रहेगा। जो जो फोन्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन सभी के बेस्ट बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप उन लिंक से परचेज करोगे तो भाई की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूँ, आज इस वीडियो में मैं आपको जो भी फोन रेकमेंड करूंगा उसका कैमरा तो अच्छा होगा ही, बट मैं आपको ऐसा कोई भी फोन रेकमेंड नहीं करूंगा जिसका कैमरा अच्छा हो और प्रोसेसर बेकार हो। मतलब अगर आपको गेमिंग करना भी पसंद है तो डेफिनेटली जो फोन मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो अच्छे कैमरा फोन है, साथ ही साथ आप उनमें गेमिंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 10,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में। 10,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक रेडमी Y2 जो अमेजोन पे सेल में 3GB रैम मॉडल 9,000 रुपीज का मिल रहा है, और दूसरा है एसर ज़ेनफोन मैक्स प्रो का 3GB रैम मॉडल जिसपे 1000 ऑफ है, और फ्लिपकार्ट पे ये फोन आपको इजीली 10,000 रुपीज का मिल जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा एसर ज़ेनफोन मैक्स प्रो। जब ज़ेनफोन मैक्स प्रो लॉन्च हुआ था तो इसमें काफी सारे बग्स थे कैमरा में, जैसे कि इसका पोर्ट्रेट मोड परफेक्टली वर्क नहीं करता था, एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता था, और लो लाइट कंडीशंस में काफी नॉइस देखने को मिलती थी। इवन जो फ्रंट कैमरा था उससे भी आप ज्यादा शार्प सेल्फीज कैप्चर नहीं कर पाते थे। बट एसर ने काफी सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिए हैं और अब ज़ेनफोन मैक्स प्रो का कैमरा काफी इंप्रेसिव हो गया है। आप काफी शार्प सेल्फीज इस फोन से कैप्चर कर सकते हो। 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है इस फोन में। जो रियर कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। लो लाइट कंडीशंस में अब उतनी नॉइस नहीं देखने को मिलती। इवन जो पोर्ट्रेट मोड है इस फोन का वो भी अब प्रॉपर्ली वर्क करता है, एजेस प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर लेता है, और मेन सब्जेक्ट पे इनफ डिटेल्स भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट है हमारे पास 10,000 to 14,000 रुपीज का। इस प्राइस सेगमेंट में मैंने दो फोन्स पिक करे हैं, इन दोनों ही फोन्स पे सेल चल रही है। पहला है Redmi Note 5 Pro और दूसरा है Acer ZenFone Max Pro का ही 6GB RAM मॉडल। 15,000 रुपए की जगह ये दोनों ही फोन्स 13,000 रुपए के मिल रहे हैं, और जो ZenFone Max Pro का 6GB RAM मॉडल है उसमें रेयर में 13 मेगापिक्सल की जगह 16 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिल जाता है विद f2.0 अपर्चर, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। ZenFone Max Pro के 6GB RAM मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन नहीं है, बट अभी मेरी Asus की टीम से बात हुई थी रिसेंटली, और अक्टूबर एंड तक आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा जिसमें Asus ने EIS को अनेबल कर दिया है, तो आपको वीडियो स्टेबिलाइजेशन भी इस फोन में मिल जाएगी। आप Redmi Note 5 Pro को भी कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज़ ZenFone Max Pro का जो 6GB RAM मॉडल है और जो Redmi Note 5 Pro है, इन दोनों ही फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैंने इन दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन किया था और जो रिजल्ट्स थे वो काफी सिमिलर है। स्टिल आप चाहो तो उस कैमरा कंपैरिजन वीडियो को देख सकते हो, ऊपर कार्ड्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपको MIUI ज्यादा पसंद है तो आप Redmi Note 5 Pro ले लेना, बट उसमें 4GB RAM मिलती है तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप ZenFone Max Pro लेते हो तो उसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाएगा और 6GB RAM मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि 14,000 रुपीस के अंदर तो Realme 2 Pro भी अवेलेबल है और उसको मैंने मेंशन क्यों नहीं किया। तो यार, Realme 2 Pro के साथ क्या है कि आपको 14,000 रुपए के अंदर 4GB RAM मॉडल मिल तो जाता है, लेकिन उस फोन का जो 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है वो सीरियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वाइट बैलेंस ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सेल्फी ज्यादा शार्प नहीं आती। इवन जो स्किन टोन्स है वो भी काफी अननेचुरल लगती है। लेकिन Realme 2 Pro का जो रियर कैमरा है वो एक्सीलेंट है, डे लाइट में, लो लाइट में, इवन जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी प्रॉपरली वर्क करता है। तो अगर आप फ्रंट कैमरा ज्यादा यूज नहीं करते हो तो आप Realme 2 Pro को कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज ZenFone Max Pro और Redmi Note 5 Pro आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास MI A2। अब 15 से 22,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में जो बेस्ट कैमरा फोन है वो MI A2 ही है। मैंने MI A2 को काफी सारे फोन्स के साथ कंपेयर करा है, पोको F1 के साथ, Honor Play के साथ, Vivo V11 Pro के साथ, और सीरियसली MI A2 में रेयर में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है और 20 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर मिलता है, जो हेल्प करता है लो लाइट कंडीशंस में इमेज क्वालिटी को एनहांस करने में, और दोनों ही सेंसर्स में f1.75 अपर्चर दिया गया है। फ्रंट कैमरा भी 20 मेगापिक्सल का है, काफी शार्प सेल्फीज आप कैप्चर कर सकते हो। फ्रंट कैमरे का जो पोर्ट्रेट मोड है वो ऑन पॉइंट है, एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है, और जो रियर कैमरा है वो तो अमेजिंग है MI A2 का, चाहे लो लाइट हो चाहे डे लाइट हो। मतलब लो लाइट में काफी कम नॉइस देखने को मिलती है और डे लाइट में आप काफी शार्प इमेजेस कैप्चर कर सकते हो, और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफी नेचुरल देखने को मिलता है MI A2 में। MI A2 का जो पोर्ट्रेट मोड है रियर कैमरा का वो भी अमेजिंग है, आप काफी इंप्रेसिव पोर्ट्रेट शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो। नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट है हमारे पास 22,000 से 25,000 रुपीज का। अब इस प्राइस सेगमेंट में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल चल रही है, तो MI Mix 2,
Honor 10 और Acer Zenfone 5Z, ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल है और इन तीनों में से मैंने पिक करा है Acer Zenfone 5Z। Acer Zenfone 5Z का तो मैंने कैमरा कंपैरिजन भी किया था Honor 10 के साथ और Zenfone 5Z ने एक्चुअली में बेटर परफॉर्म किया था डे लाइट में, लो लाइट में, और पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी बेटर आ जाते हैं Acer Zenfone 5Z में। कुछ इश्यूज थे Zenfone 5Z में, वो सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद फिक्स हो गए हैं। जैसे कि लो लाइट कंडीशंस में जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते थे तो एक फ्लिकरिंग देखने को मिलती थी, बट वो इशू को अब फिक्स कर दिया गया है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। इवन जो फोन का पोर्ट्रेट मोड है वो भी काफी प्रॉपरली वर्क करता है और Acer Zenfone 5Z में AI कैमरास मिलते हैं तो लो लाइट कंडीशंस में आप काफी इंप्रेसिव इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। 4x ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है Zenfone 5Z में, जिसकी वजह से लो लाइट कंडीशंस में इमेज क्वालिटी को काफी एनहांस कर दिया जाता है। और इस फोन में आपको कलर करेक्शन सेंसर भी दिया गया है, स्पेशली जब आप किसी फ्लावर या प्लांट्स की इमेजेस कैप्चर करोगे तो जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफी नेचुरल देखने को मिलेगा आपको Zenfone 5Z में। Zenfone 5Z में जो सेकेंडरी सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का 120 डिग्री वाइड एंगल लेंस है, तो आप काफी अच्छे वाइड एंगल शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो और वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है, तो काफी स्टेबल वीडियोस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p और 4K रेजोल्यूशन पे। अब 25 to 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में जो फोन मैंने पिक करा है वो है OnePlus 6। सैमसंग एसेट भी सेल में 30,000 का मिल रहा है और OnePlus 6 भी 30,000 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन सैमसंग एसेट में पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नहीं मिलता और OnePlus 6 में पोर्ट्रेट शॉट्स भी आप कैप्चर कर सकते हो। इवन OnePlus 6 के फ्रंट कैमरा से भी आप पोर्ट्रेट सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ज्यादा रिकॉर्ड करना पसंद है तो ट्रस्ट मी गाइज, OnePlus 6 एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एक तो इसके फ्रंट कैमरा में भी EIS दी गई है और रियर कैमरा में EIS और OIS दोनों का सपोर्ट मिलता है। अगर आप वीडियोस 1080p 30fps और 4K 30fps पे रिकॉर्ड करोगे तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क करती है। अगर आप 1080p 60fps और 4K 60fps पे वीडियो शूट करोगे उस टाइम पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क करती है, लेकिन मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस को 1080p 30fps और 4K 30fps पे शूट करो, बिकॉज OnePlus 6 में EIS को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है वो अमेजिंग है। मतलब इतनी ज्यादा स्टेबल वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो OnePlus 6 से कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी मेरी तरफ से, जो फोन्स मेरे को सही लगे मैंने आपको रिकमेंड कर दिए। जैसे कि आपको पता ही होगा मेरा चैनल कैमरा कंपैरिजन के लिए फेमस है और काफी सारे फोन्स के मैं कैमरा कंपैरिजन करता रहता हूं। कल आपको मेरे चैनल पे वीवो V9 Pro और Realme 2 Pro का कैमरा कंपैरिजन वीडियो भी मिल जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो वीडियो देख लेना। एक पर्सनल ओपिनियन मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कैमरा है तो Acer Zenfone 5Z और OnePlus 6 में अगर आप कंफ्यूज हो, दोनों ही फोन्स में स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर मिलता है। देखो, अगर आपको सिर्फ इमेजेस कैप्चर करनी है तो आप डेफिनेटली 5,000 रुपए बचा के Zenfone 5Z कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज OnePlus 6 और Zenfone 5Z में अगर आप इमेजेस कैप्चर करते हो तो जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो ज्यादा रिकॉर्ड करनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप OnePlus 6 परचेज करना, बिकॉज वीडियो ज्यादा स्टेबल आप रिकॉर्ड कर सकते हो OnePlus 6 से। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।